फ्रेंड्स, आपको अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करने दिया जाएगा तो आप कैसे करेंगे इसको? सीधा सीधा आप क्या करेंगे, या तो देखेंगे कि 2 से कट होगा 3 से कट होगा 5 से कट होगा, कट करते 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 ये यहां से यहां 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 तक आएगा, ये कट होते होते ऊपर तक चला जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपका पेपर का टाइम खत्म हो जाएगा। तो मैं आज आपको डिवीजन करने का, कट करने का एक मजेदार मेथड सिखाने जा रहा हूं। उस मेथड को मैंने नाम दिया है बाहुबली मेथड। अब बाहुबली मेथड नाम क्यों दिया है वो आपको जब ये मेथड सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा। तो चलो इस तरीके की मजेदार ट्रिक डिवाइड करने की, बाहुबली मेथड जिसका नाम है, उसको हम सीखते हैं। अब बाहुबली मेथड सीखने के लिए सबसे पहले तो आपको ये सीखना जरूरी है कि ये अगर एग्जैक्ट डिवाइड होता है तो इसका आंसर कितने डिजिट में आएगा, देख के पता चल जाएगा आपको कितने डिजिट में आंसर आएगा। मेरे पास एक उसके लिए भी बढ़िया सॉल्यूशन है। आपको क्या करना है, नीचे वाले नंबर में पीछे एक एक जीरो लगा के नीचे वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर से बड़ा करना है। देखो मैंने यहां पे एक जीरो लगा दिया, नीचे वाला नंबर बड़ा हुआ, ऊपर 85,000 है, नीचे 12,000 हुआ, बड़ा नहीं हुआ, और एक जीरो लगा देता हूं, अब 1 लाख समथिंग हो गया। तो अब मेरा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो गया। कितने जीरो लगाने से बड़ा हुआ, 2 जीरो लगाने से। तो इसको अगर हम कट करेंगे तो जो फाइनल आंसर आएगा वो डबल डिजिट में आंसर आएगा। इज इट क्लियर? अब ये 2 डिजिट कौन से होंगे उसको हम सीखते हैं। हाँ भाई, तो अब 7 का टेबल बोलना है आपको, 7 लाना है। क्या किया मैंने, डिनोमिनेटर के लास्ट डिजिट का मैं टेबल बोलूंगा, न्यूमरेटर का लास्ट डिजिट लाऊंगा, मतलब 7 का टेबल बोलूंगा और मैं 7 लाऊंगा। तो 7 के टेबल में 7 कहां होता है, 7 वन 7 हो गया। आगे आपको क्या करना है, नॉर्मल डिवीजन करना है, 85/12। जैसे हम नॉर्मल डिवाइड करते वैसे एक छोटा सा डिवीजन है। चलो कितने से भाग चलेगा, 12 7 84, 7 से भाग चलेगा तो आपका आंसर आएगा 71। हो गया ना, देखो यहां पे इतना लंबा चौड़ा हो रहा था, यहां पे मैंने डायरेक्ट कर दिया, तो यहां पे आगे से भी किया पीछे से भी किया, तो डायग्राम बनता है इस तरीके का। तो इसको हम बोलेंगे बाहुबली मेथड। तो मैं बकुल पटेल आज आपको बाहुबली मेथड की बहुत बढ़िया प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, और जब वीडियो खत्म होगा तब तक आप में ये कॉन्फिडेंस भी बिल्ट अप हो जाएगा कि नहीं, मैं बड़े से बड़ा डिवीजन भी आराम से कर सकता हूं। तो चलो हम बारी बारी से एग्जांपल को देखते हैं, लेते हैं पहला एग्जाम्पल। हाँ, अब सबसे पहले आपको क्या देखना है, कितने डिजिट में आंसर आएगा। तो नीचे वाले नंबर को बड़ा करना है, चलो 0 लगा के बड़ा करते हैं, हुआ ना, हो गया हाँ। तो कितने 0 लगाएंगे, 2, तो 2 डिजिट में आंसर आएगा। ये पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप, लास्ट डिजिट नीचे का, लास्ट डिजिट ऊपर का, तो किसका टेबल हम बोलेंगे, 7 का। 7 का टेबल बोलो और आपको 1 लाना है, 7 के टेबल में 7 3 21 हो गया। आगे आपको क्या करना है, 61 और 18 ये डिवीजन करना है, 18 का टेबल बोलो अप टू 61, तो 18 3 54, 3 से भाग चलेगा, तो हो गया आपका आंसर। इसको अगर मैं पूरा डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 33। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यहां पे भी कितने डिजिट में आंसर आएगा, छोटा है हो गया बड़ा, तो डबल डिजिट में आंसर आएगा, तो मुझे यहां पे 2 डिजिट रखने होंगे। चलो 3 का टेबल बोलेंगे और आपको 9 लाना है, 3 3 9, 37 तक 5 से डिवाइड करना है, तो 5 7 35, तो आपका आंसर हुआ 73। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और 2 एग्जाम्पल, कितने डिजिट में आंसर आएगा, 1 जीरो लगाया नहीं बड़ा हुआ, 2 जीरो लगाया बड़ा हो गया, तो 3 का टेबल बोलो और 1 लाओ, 3 7 21।
अब ये 115 लेंगे, ये 13 लेंगे, 11 लेंगे तो डिवाइड ही नहीं होगा, तो मैंने तीन डिजिट लिए, आपको भी उसी हिसाब से चलना है। 13 8 जा 104, तो यहां पे एग्जैक्ट डिवीजन करने पे आंसर आएगा 87। ठीक है, चलो बच्चों और एक एग्जांपल है, 7 का टेबल बोलना है, 7 लाना है। सॉरी यहां पे मैं क्या भूल गया, कितने डिजिट में आंसर आएगा वो चेक करना। तो ये कितने डिजिट में आंसर आएगा, 1020। हाँ, तो डबल डिजिट में मेरा आंसर आएगा। 7 के टेबल में 7 कहां आएगा, 1। अब 108 डिवाइड बाय 15, 15 7 जा 108, तो आपका आंसर होगा 71। भाई यहां तक ठीक है, मैंने आपको चार एग्जांपल करवाए और चारों के चारों आंसर हमने आराम से ले लिए। अब यहां पे अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो ऊपर नीचे दोनों नंबर ओड थे, समझे ना आप। अब थोड़ा उसको चेंज करते हैं, क्या चेंज होता है, चलो पहले एक मेथड यहां पे मैंने आपको स्क्रीनशॉट के लिए ये राइटअप लिख के दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलो हाँ, अब और दो एग्जांपल, यहां पे क्या चेंज हुआ, ऊपर इवन नंबर है, नीचे ओड है। इसके पहले जितने भी एग्जांपल लिए ऊपर नीचे दोनों ओड था, अब इवन एंड ओड है, कोई स्टाइल चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। चलो हम जैसा करते थे वैसा ही करते हैं। हाँ, डबल डिजिट में आंसर आएगा, तो 7 का टेबल बोलो, 4 लाओ तो 2। अब 53 डिवाइड बाय 12 तो कितने से चलेगा, 4 से, तो आपका आंसर आएगा 42। चलो फटाफट मैं यहां ले लेता हूं, कितने डिजिट में आंसर आएगा, 1 2 3 नहीं 2 डिजिट में आएगा, तो ये मैंने कर दिया डबल डिजिट। 9 का टेबल बोलो, 8 लाओ, 9 2 जा 18। 17 का टेबल बोलो, अप टू 110, तो 17 6 जा 102, तो आपका आंसर हुआ 62। भाई हो रहा है फटाफट, चलो अब फटाफट नहीं होगा, अब प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम क्या है, ऊपर नीचे दोनों इवन नंबर है। अब प्रॉब्लम क्या होता है वो हम करते हैं, चलो कितने डिजिट में आंसर आएगा बे, चलो 2 डिजिट में आंसर लिखता हूं, ठीक है ना। हाँ, अब आपको किसका टेबल बोलना है, 4 का, और लाना क्या है, 4। 4 के टेबल में 4 कहां आएगा, सीधा सीधा 4 1 जा 4, हो गया ना, हो गया नहीं, हुआ नहीं है। 4 1 जा 4 भी होता है, 4 6 जा 24 भी होता है, तो यहां पे 6 भी आएगा। बस ये प्रॉब्लम था, इस बार आपको 2 नंबर मिलेंगे आंसर में, जिसके लास्ट में 1 होगा, जिसके लास्ट में 6 होगा। चलो अब आगे चलते हैं, 80 डिवाइड बाय 14 तो कितने से भाग चलेगा, 5 से, 14 5 जा 70, तो 5। तो ये कट करेंगे तो आपका आंसर 56 भी हो सकता है, 51 भी हो सकता है। अब सही आंसर कौन सा होगा, तो उसके लिए थोड़ा आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। क्या एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, जब मैंने 80 को 14 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया, 80 को मैं 14 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आएगा, सॉरी 10, रिमाइंडर आएगा आपका 10। अब ये 10 14 के आधे से ज्यादा है, आपको हमेशा रिमाइंडर को ये जो नीचे 2 डिजिट आपने लिए है उसके साथ कंपेयर करना है, जो 2 डिजिट है उसके आधे से अगर रिमाइंडर ज्यादा है तो आंसर भी ये दोनों में से ज्यादा वाला आएगा। देखो फिर से मैं बताता हूं, 14 है, 14 का आधा कितना होगा, 7, 7 से ये बड़ा है तो आंसर भी बड़ा आएगा, तो यहां पे आपका आंसर क्या होगा, 56। चलो वैसा एक सेम एग्जांपल दूसरा हम लेते हैं, अगेन कितने डिजिट में आंसर आएगा भाई, अब आप तो पता चल गया, सीधा डायरेक्ट बोल सकते हो 2 डिजिट में आएगा। अब 6 का टेबल बोलो, आपको 8 लाना है, 6 के टेबल में 8 कहां आएगा, 6 3 जा, और 6 8 जा 48, 3 और 8। देखो जब कभी भी आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं ना, तो उसमें एक चीज आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, पहला जो ऑप्शन है उसमें 5 ऐड करेंगे तो दूसरा ऑप्शन आएगा। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए 2 ऑप्शन कब आएंगे, जब ऊपर नीचे दोनों में
इवन नंबर दिया जाता है डिवीजन करने के लिए, तो आपको इस मेथड में दो ऑप्शन मिलेंगे। जैसे मुझे यहां ऊपर नीचे इवन था तो दो ऑप्शन मिले, यहां भी ऊपर नीचे इवन था तो दो ऑप्शन मिले। अब जो पहला ऑप्शन है उसमें प्लस फाइव करेंगे तो दूसरा ऑप्शन है, आ गया ना। चलो तो यहां भी लास्ट में एट या थ्री आएगा। अब 103 डिवाइड बाय आपको 15 करना है, 15 6 जा 90, तो 6 से चलेगा तो 68 या 63 आएगा। अब बड़ा आएगा कि छोटा आएगा उसके लिए आपको फिर से 103 डिवाइड बाय 15 करना पड़ेगा। 103 डिवाइड बाय 15 करेंगे तो 15 6 जा 90, तो रिमाइंडर क्या रहेगा, 13, जो कि 15 के आधे से ज्यादा है। तो 15 के आधे से अगर ज्यादा है तो आंसर भी आपका ज्यादा वाला मतलब 68 रहेगा। ठीक है भाई, तो आखिरी दो एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। अगेन यहां भी ऊपर नीचे दोनों इवन है तो आपको दो दो ऑप्शन मिलने वाले हैं, ये कंफर्म है, तो मैं यहां पे दो ऑप्शन लिख ही देता हूं। ठीक है, अब मुझे 8 का टेबल बोलना है और मुझे 4 लाना है। 8 के टेबल में 4 कहां आएगा, 8 3 जा एंड 8 8 जा, हो गया। अब 48 डिवाइड बाय मुझे करना है 9। अब 48 डिवाइड बाय 9 करूंगा तो 9 5 जा 45, हो गया ना आपका। 9 5 जा 45 करूंगा तो रिमाइंडर कितना रहेगा, 3, जो कि 9 के आधे से कम है। 9 के आधे से कम है तो आंसर भी ये दोनों में से कम वाला आएगा, मतलब 53 आएगा। ये समझ में आ रहा है। चलो लास्ट एग्जांपल है, 2 का टेबल बोलो और आपको 4 लाना है। 2 का टेबल बोलो 4 लाना है तो 2 2 जा एंड 2 7 जा, तो ये दो ऑप्शन मिलेंगे भाई। कितने डिजिट में आंसर आएगा, दिखता है सीधा आपको 2 डिजिट में आएगा, तो ये हो गया। अब क्या करना है, अब तो आप सबको पता है 41 डिवाइड बाय 5 5 8 जा 40, हो गया ना 82 या 87। अब 41 डिवाइड बाय 5 करूंगा तो रिमाइंडर कितना रहेगा, 1, जो कि 5 के आधे से कम है। आधे से कम है तो आपका आंसर भी कम आएगा, मतलब आपका आंसर आएगा 82। तो ये था डिवीजन करने का बाहुबली मेथड। अब इस मेथड की लिमिटेशन क्या है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अगर आपने थोड़ा ध्यान से देखा है तो सारे ऑप्शन में आंसर 2 डिजिट में ही आता है, मतलब कि ये मेथड का लिमिटेशन है कि आप जब कभी भी 2 डिजिट में आंसर आता है तो इस मेथड से आप काम कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। नहीं कर सकते हो ऐसा नहीं है, मेरे पास है 3 डिजिट में आंसर आता है तो भी हम इस तरीके से कर सकते हैं, बट उसके लिए कुछ आपको एक्स्ट्रा मेहनत लगानी पड़ेगी, तो वो मैं किसी और वीडियो में सिखाऊंगा, बट यहां पे फिलहाल आप 2 डिजिट तक काम चालू रखो। तो एक तो ये लिमिटेशन था, दूसरा लिमिटेशन ये है कि जब ये एग्जैक्ट डिवाइड होता है तभी ये मेथड चलेगा। अब एग्जैक्ट डिवाइड कब होता है कब नहीं होता है वो आप नीचे आंसर देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप बड़े बड़े डिवीजन को आराम से कर सकते हो। मुझे आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो, मेरा ये ट्रिक पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो, मेरा ट्रिक आपको पसंद आया है तो आप मेरी चैनल भैंस की पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए उतना ही नहीं, बट इसको लाइक भी कीजिए, नीचे कॉमेंट भी लिखिए और अपने दूसरे दोस्तों को ये वीडियो फॉरवर्ड भी कीजिए। जय हिंद, जय माता जी, भारत माता की जय।